अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आरजी को मैं कभी याद ही नहीं आई तू तो मेरा क्या होगा जी? मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान सब मिट जाएगा जो मैं आरजी के बिना कुछ भी नहीं। सुन, हम जीजू से बात करते हैं। एक काम करते, तेरी और जीजू की शादी की तस्वीर उन्हें दिखाते हैं। हाँ, क्या पता उन्हें कुछ याद आ जाए। मैं अभी जय करके आती हूँ। जूही रुक, जूही क्या कर रही है? तो भूल गई, डॉक्टर ने हमें क्या कहा है? जबरदस्ती नारजी को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं कर सकती, नहीं तो से नारजी की पूरी याददाश्त जा सकती। नहीं जूही, मैं ऐसा खतरा नहीं ले सकती। हाँ रूही सुन, हमें उन्हें कुछ भी जबरदस्ती याद नहीं दिलाना है। हमें तस्वीर उनके आसपास कहीं रख देंगे, क्या पता ऐसे देखे उन्हें खुद ब खुद याद आ जाए। पूरी कोशिश करने में हर्जी क्या? एक मिनट, जूही रुक, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। रूही सुन, एक बार मुझे ट्राई करने दे, क्या पता ये काम कर जाए, सब तेरे लिए सही हो जाए। जूही, बाबा नारजी को कुछ हो ना जाए, जूही नारजी को कुछ बता ना दे। जूही दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसने गिराई है? जूही, जूही तो कुछ भी नहीं बोलेगी। आवाज कहां से आ रही? देखता हूँ। फिर से चक्कर आ रहे हैं, आराम ही कर लेता हूँ। जूही उठ, आराम से, तुझे लगी तो नहीं ना? नहीं, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या करने जा रही थी तू? हाँ, अरे पहले ही तुम्हारी बहन की वजह से मेरा पोता मौत के मुंह में जाकर आया है, और बची कुची कसर तुम पूरी करने जा रही थी। दादी, हमें जीजू को सब याद दिलाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। एक शब्द नहीं।
तुम हमारे घर के मामलों में क्यों दखल दे रही हो? भूल गई नाहन ने क्या कहा था? जब तक बच्चा नहीं आ जाता तुम इस घर में नहीं आओगी, तो फिर किस हक से आई हो तुम? निकलो अभी के अभी, निकलो यहाँ से, निकलो यार। अरे आप क्या कर रही हैं? दादी हाथ छोड़िए मेरा। दादी 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 रूही दादी, ये माँ मैं तुम्हें लेकर इस घर में कोई तमाशा नहीं करना चाहती। पहले तुम्हारी वजह से मेरे घर के चिराग को खतरा था और अब मेरे पोते को, इसीलिए तुम अभी के अभी इस घर से निकलो। दादी जी, मेरा भले ही आप लोगों से रिश्ता टूट चुका हो, लेकिन मेरी बहन के साथ मेरा रिश्ता आज भी है, और उसी रिश्ते के वजह से मैं यहाँ हूँ, और उसी रिश्ते के वजह से मैं अपनी बहन को इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। ये हमारे घर का मामला है और इस पे तुम्हें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अब देख क्या रही हो, निकलो यहाँ से। और अगर तुम्हें अपनी बहन की इतनी परवाह है ना, तो इस मनहूस को भी अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि आज मेरे पोते की हालत इसी की वजह से हुई। चल तू भी मेरे साथ चल, वैसे भी अब यहाँ पर तेरी कदर करने वाला कोई नहीं, चल मेरे साथ। जूही जूही, मैं अपने पति को इस हाल पे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। किन रूही? जूही मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रूही सही कह रही, वैसे भी जब तक यहाँ अग्नि है रूही का यहाँ रहना बेहतर है। ठीक है तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मुझे यही रहने दीजिए, अगर हार चीने मुझे इस घर का नौकर समझा है तो मैं इस घर में नौकर की तरह रह लूंगी। कम से कम मैं हार जी को देख तो पाऊंगी, उनके पास तो रह पाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। तुम्हें नौकर बनकर रहना है ना इस घर में? ठीक है, तो फिर एक नौकर की तरह एक कोने में पड़ी रहना, भूल कर भी नाहर के पास जाने की कोशिश मत कर। अगर नाहर को तुम्हारी वजह से जरा सी भी तकलीफ हुई ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अब इससे पहले कि नाहर को होश आए और वो अपने कमरे में जाए, तुम अपने कमरे में जाकर तुम्हारे और नाहर के रिश्ते का हर सबूत मिटा दो। जाओ। ये जूही नहीं आई है बेटा, लगता है दामाद जी और जूही के बीच सुलह हो गई। एक बार फोन ही कर लेती हूँ ना दामाद जी को, पूछती हूँ सब ठीक है कि नहीं। जूही आ गई तू? जूही दामाद जी कहाँ है? दादी वो नहीं है। रो क्यों रही है? बता क्या बात है, बोल। सब ठीक है नवा?
जुई, तो मुझे बता, मुझे मुझे बहुत घबराहट हो रही है जुई। जुई बोल, बोल ना। क्या वो नहीं, वो साल सवा साल पहले की जो याददाश्त है वो सारी चली गई है। उस दौरान की हर घटना, हर इंसान वो भूल चुके हैं। चली गई दादी, ने कुछ भी याद नहीं रूही के बारे में। उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया रूही को। अबे दादी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। दादी मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जब भी मेरी बहन की जिंदगी में सब कुछ सही हो रहा होता है, उसकी जिंदगी ऐसे क्यों बिखर जाती है? क्यों दादी, क्यों? आज के दिन हम दोनों एक दूसरे से एक वादा करें कि हम अपना ये रिश्ता कभी नहीं खोने देंगे, अपना प्यार कभी नहीं कम होने देंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे आज के बाद कुछ भी हो जाए, हमारा साथ बिल्कुल ऐसे ही मजबूत रहेगा, बिल्कुल इस इन्फिनिटी की तरह। ये सब क्या है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई कर रही थी? और इतना सारा कबाड़ निकला। रुको, तुम मुझे एक बार चेक करने दो। तुम क्यों उठा रही हो? किसी को बुला लो ना मदद के लिए, खुद क्यों उठा रही हो? हाँ, मैं किसी को मदद के लिए बुला लेती हूँ। सॉरी, गलती से गिर गया। ठीक है, तुम सफाई कर दो, फिर मैं बाद में आता हूँ। एक सेकेंड। ये पेंटिंग, हाँ,
हर्षी को कुछ याद नहीं आ रहा है क्या? ये पेंटिंग अच्छी पेंटिंग है, इसे रहने दो, बाकी चीजें ले जाओ जी। और जल्दी से साफ कर दो, मुझे आराम करना है। हर्षी को ये पेंटिंग दे, कुछ याद तो नहीं आया, लेकिन उन्हें इस पेंटिंग से लगाव महसूस हुआ है। इसका मतलब खाटू जी ने मुझे ये उम्मीद दिखाई है, मुझे ये उम्मीद रखनी होगी। धीरे धीरे हर्षी को सब याद आ जाएगा। अग्नि, 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 अग्नि। हाँ नहार, बोलो। बहुत बोर हो रहा हूँ, ट्रैकिंग पे चले? अभी? हाँ। बेटा, ट्रैकिंग? इस हालत में? नहार, अभी तुम्हारी तबीयत इतनी सही नहीं है और बारिश में फिसलने का खतरा रहता है, ऐसी हालत में ट्रैकिंग में जाना सही नहीं, और खासकर अग्नि के लिए। अग्नि को क्यों? अग्नि तो मुझसे भी अच्छी ट्रेकर है। बेटा, मैंने कहा ना नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि तुम्हें आराम की बेहद जरूरत है। जाओ, जाके आराम करो, जाओ। ओके। माँ जी, नहार को वो अपनी याद है जिससे वो प्यार करता था। नहार को भी बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे मौके का फायदा उठाना होगा। किसी भी तरह से मुझे नहार को बताना होगा, उसके बाद मुझे और नहार को कोई अलग नहीं कर सकता। फिर मेरा वो खुशहाल परिवार वाला सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं खुद नहार को नहीं बता सकती, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो बात अपने आप बाहर आए। इन्फिनिटी देख के नहार जी को कुछ याद आया था, मुझे ऐसा ही कुछ उनके सामने लाते रहना होगा। ये क्या अग्नि, तुम भूल गई हम कितनी स्केटिंग करते थे यार, और मैं तुम्हें हमेशा हराता था। ओ हेलो, तुम मुझे हराते नहीं थे, मैं तुम्हारी खुशी के लिए हार जाती थी। ओ रियली, ऐसी बात है तो आज फिर से एक बार रेस हो जाए, पता चल जाएगा कि कौन जीतता था। अब नो नहार, मैंने ऐसे ही हार मान ली। ठीक है, ऐसे कैसे हार मान ली, अब तो तुम्हें मुझे हरा कर दिखाना ही होगा। नहीं नहार। क्यों, अभी से डर गई क्या? डरी नहीं हूँ, पर तुम ना कहाँ इन सब चक्रों में पड़े हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी ना। लेकिन मैं इस मजाक को सीरियसली ले चुका हूँ। क्यों? बैठो नहार। बैठो। नहीं, चलो बैठो। नहार, क्यों जिद कर रहे हो? जिद नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बोला ना कि तुम मुझे हराती थी, अब पता चलेगा। छोड़ो ना नहार। सुनो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन बेस्ट है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हाँ अग्नि, बोलो। रेडी? नो। अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा, कम ऑन। हाँ तो संभाल के।
देखो जो रेस है यहाँ से स्टार्ट होगी इस छोर से उस छोर तक, ठीक है, और वापस हमें इसी छोर तक आना है, और जो पहले पहुंचेगा रेस वो जीते। सो आर यू रेडी? सेफ्टी फर्स्ट। नहार, क्यों जिद कर रहे हो? मैंने इतने दिन से स्केटिंग नहीं की है यार, जाने दो ना। अग्नि, मैंने कहा ना कोई बहाना नहीं चलेगा। नहार, इतने जिद क्यों करते हो? पता है मुझे कितने दिन हो गया मैंने स्केटिंग नहीं की है। हेलो अग्नि, हेलो। हे भगवान, नहार अग्नि को स्केटिंग करवा रहा है। माँ जी को क्या हो गया? ऐसे दौड़ कर जाएंगे तो उनका घुटना दर्द करेगा। माँ जी रुकिए, कहाँ जा रही हैं? चलो, वन टू लेट्स गो। संभालो खुद को। अग्नि, अरे क्या कर रही हो तुम? ऐसी हालत में स्केटिंग क्यों कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? नहार को तो बता दी, पर तुम तो जानती हो ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। अग्नि, तुम मां बनने वाली हो और मुझे नहीं बताओगी? और ये किसका बच्चा है? कौन है इसका बाप? नहार, बेटा ये तुम्हारा ही बच्चा है।